हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक विद प्रशांत। तो आप सब कैसे हैं? जैसे भी आप सब कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर UP SSC PET फॉर्म 2021 अगर आपने भरा है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे भरा जाता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, सारा कुछ यहाँ पर मैंने क्लियर किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ पर मैं यही बताने वाला हूँ, अगर आपको वहाँ पर पेमेंट नहीं हो पाया था तो यहाँ पर फिर से पेमेंट है, यहाँ पर हम कैसे करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए इसको जानने के लिए। अगर आप मान लीजिए आपका पेमेंट कट गया है और शो नहीं कर रहा है तो उसका भी यहाँ पर मैं क्लियरेशन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो मेरा नाम है प्रशांत और आप सब देख रहे हैं टेक विद प्रशांत। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पर UP SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन सेगमेंट में फी डिपॉजिट पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे इस पर गाइस यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुलकर रीओपन हो जाएगा और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा प्रोसेस होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पर जेंडर, उसके बाद आर यू डोमिसाइल ऑफ UP में आपको यस कर देना, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद यहाँ पर इंटर वेरिफिकेशन, आपको यहाँ पर कोड डाल देना है जो कि कैप्चा कोड है, उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। जैसे गाइस यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, या आप यहाँ पर ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप पूरा डिटेल में जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट दी गई इसे आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया दोबारा आप पेमेंट न करिए, और आप 48 घंटे तक यहाँ पर आप 24 से 48 घंटे तक वेट करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल बता देगा। तो यह बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो आप दोबारा आपको पेमेंट नहीं करना है। अगर आपने पेमेंट किया है, अगर आपका पैसा नहीं कटा है तो आप यहाँ पर आप फिर से पेमेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर फिर से पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोसीड फॉर फ्री ही पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, अगेंस्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको सिंपली इसे पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया पेज खुलकर आ जाएगा पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको आगे दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगी, जो भी आपकी एप्लीकेशन, आपके कुछ डिटेल्स, यहाँ पर आपको SBI या MOPS पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर आपको सिंपली क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस होगा, उसके बाद यहाँ पर कुछ पेमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। तो जैसा कि अभी यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर खुलकर आ गई। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पे क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसीड टू फ्री डिपोजिशन पर आपको सिंपली टैप कर देना है, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे भी आप यहाँ पर पेमेंट करना चाहें आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर SBI नेट बैंकिंग योनो से करें, चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, या आप चाहे तो UPI ID से भी कर सकते हैं। तो आप जैसा भी चाहे यहाँ से आप अपना पेमेंट कर लीजिए। यहाँ पर मैं सिंपली UPI से करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं UPI पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर तो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर चाहे आप यहाँ पर VPI ID यहाँ पर डाल के करें, या आप QR कोड से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली QR कोड पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर QR कोड शो होने लगेगा। यहाँ पर कुछ 3 मिनट टाइम दिया गया, इसके अंदर आपको क्या करना है, अपना जो भी आप UPI वाला ऐप यूज़ करते हैं उसमें अपना जो आप यहाँ पर QR कोड स्कैन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आप पेमेंट आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेसफुल, यहाँ बहुत ही आसानी से यहाँ पर पेमेंट हो गया है। तो उसके बाद थोड़ा देर आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करके थोड़ी देर वेट करेंगे तो यहाँ पर आपका रिसिप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुल यहाँ पर आप बता दिया है। तो यहाँ पर आप 10 सेकेंड और वेट करेंगे तो आपका यहाँ पर फाइनल रिसिप्ट आ जाएगा, जो भी आपने पेमेंट किया है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर आपका रिसिप्ट आ गया। इसे आपको यहाँ पर डाउनलोड करके रख लेना है, कभी भविष्य में आगे काम देगा। तो उसके बाद फाइनल यहाँ पर सबमिशन प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर आप फाइनल सबमिशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं गाइस। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू डाउनलोड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उसे सिंपली आप यहाँ पर आसानी से प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करके सिंपली प्रिंट कर लेंगे।